हमारी वीडियो पर कंसिस्टेंसी रेगुलर व्यूज आते रहे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि टैग का मतलब क्या होता है और हम लोग अपनी वीडियो में क्यों लगाते हैं। क्या YouTube की वीडियो में टैग लगाने से हमारा वीडियो वायरल चला जाता है, हमारे वीडियो पर व्यूज आ जाते हैं, हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है जो इस तरीके से सोचते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के लिए बेस्ट वायरल टैग कहां से फाइंड करोगे और कहां से ढूंढोगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि टैग का मतलब क्या होता है और हम लोग अपनी वीडियो में क्यों लगाते हैं। देखो, टैग का मतलब ये होता है कि हमारी वीडियो पर कंसिस्टेंसी रेगुलर व्यूज आते रहे, और यही एक यूट्यूबर को चाहिए कि उसके वीडियो पर रेगुलर व्यूज आते रहे। ऐसा नहीं है कि आज हमने वीडियो को अपलोड किया, जितना व्यूज बटोरना था बटोर लिया, कल की छुट्टी। हर एक यूट्यूबर यही चाहता है कि मेरा वीडियो सर्च में आए, रिकमेंडेशन में आए, ब्राउज फीचर में आए, सेशन में आए, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरे वीडियो पर एकदम से व्यूज आए और खत्म हो जाए। तो इसीलिए हम लोग अपनी वीडियो में टैग लगाते हैं ताकि हमारी वीडियो हमेशा चलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको भी जानना है कि वायरल टैग हम अपनी वीडियो के लिए कहां से लेकर के आएंगे, जो वीडियो हमने आज बनाया है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीका जहां से आप वायरल टैग को पता कर सकते हो और उसको करके अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो, जो कि आपको ये तरीका कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला तरीका जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube एप्लीकेशन में आ जाना है, यहां पर सर्च बार में आना है, यहां पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, जो टाइटल आपने बनाया है अपनी वीडियो के लिए, सेम टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ। अब आप जैसे ही अपने टाइटल को लिख करके यहाँ पर सर्च करोगे, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है, ये पहला वीडियो हो गया, उसके बाद आपको और नीचे करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, यहाँ पर ये चौथा। तो चार वीडियो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कोई भी मतलब YouTube चैनल में सर्च करता है तो उसके सामने जो वीडियो आते हैं, चार ही वीडियो काफी है उसको क्लिक करने के लिए। तो अब हमें यह सोचना है कि इस बंदे ने ऐसा क्या अपनी वीडियो में लगाया है टैग जो हम भी अपनी वीडियो में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसके वीडियो पर क्लिक करने के बाद इसको मैं पहले एड को बंद कर देता हूं यहां से, उसके बाद मैं इसको भी कट कर देता हूं। तो यहां पर आपको शेयर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है ना। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में, यहां पर एक चीज लिखना है, टैग यू, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। ये वाला एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, लोगो इसका देख लो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लेकिन ये मिल जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद शेयर पे क्लिक करके आपको आगे आना है, ठीक है ना। यहां पर मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है, टैग यू एप्लीकेशन आ जाएगा सिंपल, इसमें हमें शेयर कर देना है इस वीडियो को। उसके बाद यहां पर चेक पर क्लिक कर देना है, सिंपल सी बात है। जैसे आप चेक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एड आएगा, उस एड को पूरा देख लेना है, उसके बाद यहां पर कट पर क्लिक करके इसको कट कर देना है, ठीक है दोस्तों। एक बार और आएगा तो मैं और इसको एक बार कट कर देता हूं इस तरीके से, उसके बाद इसको मैं लेटर कर देता हूं। तो यहां पर देखो इस बंदे ने क्या टैग लगाया है जो इसका वीडियो पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और इन सारे के सारे टैग को कॉपी करके अपने नोटपैड में रख लेंगे, ठीक है ना। और इन सेम टू सेम टैग को हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टैग वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, बस छुट्टी, काम खत्म हो गया, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, डरो मत, ठीक है ना। टैग पर कॉपीराइट नहीं आता है, कीवर्ड पर कोई कॉपीराइट नहीं आता है, तो इस बात से आप निराश मत होना। तो ये हो गया पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, वो क्या है। तो मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर इसको ओपन होने देते हैं। यहां पर आपको लिखना है रैपिड टैग्स, ठीक है ना, रैपिड टैग्स, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर एक वेबसाइट आ जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इंटरफेस कैसा होने वाला है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यूज टूल्स फॉर फ्री, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपके सामने एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। तो अब हमें यहां पर क्या सर्च करना है, हम अपनी वीडियो का टाइटल को यहां पर पेस्ट करेंगे या फिर लिखेंगे, ठीक है ना, जो भी टाइटल आपने बनाया होगा अपनी वीडियो के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इसीलिए आपको समझने के लिए, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ठीक है ना, कैसे कमाए, कमाए या बनाए कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कमाए, उसके बाद मैं सर्च करता हूं। आपका जो भी वीडियो होगा, जो भी टाइटल होगा,
उसी चीज को आप सर्च करना है, ठीक है ना। ये तो आप समझ ही गए, चाहे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आपका वीडियो कोई सा भी हो। उसके बाद हमें एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो बहुत सारे टैग हमारे सामने आ चुके हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो अभी चल रहे हैं, लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, घर बैठे पैसा कैसे कमाए, ये मेरा है। लेकिन जब आप अपना सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। इसी को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, अपने टैग बॉक्स में डाल देना है। जब आप किसी भी कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो वहां पर कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा सिर्फ टैग में लगता है, न कि डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग का यूज कर सकते हैं, सिर्फ कॉमा का कभी मत करना। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो जब भी आप मोनेटाइज के लिए डालोगे तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड डालोगे उसमें कॉमा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो के लिए वायरल टैग का पता कर सकते हो और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड लगाओगे 15 से ज्यादा मत लगाना, कम ही लगाना, लेकिन ज्यादा मत लगाना। हैशटैग भी लगाओगे तो 15 से ज्यादा मत लगाना, कम ही लगाना। आप कोशिश करना कि मैं कम ही लगाऊं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो वही बात है, जब भी आपका चैनल मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, आपका चैनल रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस पर कामयाब हो पाओगे और सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो जिंदगी भर बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते रहो और घिसते रहो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी जान पाए कि वायरल टैग हम कहां से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।